देखना एक बार पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल। एग्जांपल वन में जितनी प्रॉब्लम दी गई है उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। पहले ही रिप्रेजेंट करी थी सिर्फ हमने, अगर इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन एक बार बहुत ध्यान से पढ़ो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। एक लड़का है जॉन और एक लड़की जीवंती, दोनों के पास कितने कंचे हैं, कितने मार्बल है? तो आप कहोगे 45, ठीक है, कंचे खेल रहे होंगे। बोथ ऑफ देन लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों ही कितने कितने मार्बल खो जाते हैं? 5। खेलते समय ऐसा हो जाता है, चीजें खो जाती हैं, ठीक है। 5 5 मार्बल दोनों से खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 5 मार्बल खोने के बाद अगर उनका प्रोडक्ट देखा जाए तो कितना आता है? तो वो आता भी है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल थे? क्लियर है? चलो एक बार देखते हैं भाई फटाफट से। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा, हाँ या ना? चलो देखो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो। दोनों के पास, एक बार क्वेश्चन में रिकैप करा दे रहा हूँ, दोनों के पास कितने मार्बल हैं? 45, जॉन और जीवंती के पास, ठीक है। मान लेता हूँ जॉन के पास अगर एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई? अगर जॉन के पास एक्स है, टोटल 45, और 45 में से एक्स निकाल दो, इतने किसके पास होंगे? जीवंती के पास। क्लियर है? लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है कितना होगा? बी एक्स। कितना मान लेंगे? बी एक्स। एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती, नाम बहुत खतरनाक है भाई, जीवंती है कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स, हाँ है ना। और दोनों ही कितने खो देते हैं? आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स ईच। दोनों ही कितने मार्बल खो देते हैं भाई? 5 5 मार्बल खो देते हैं, तो कितने बचेंगे लास्ट में? जॉन है, जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे? तो आप कहोगे एक्स थे पहले, अब कितने बचे? 5 खो गए, तो x-5। और जीवंती के पास कितने बचेंगे भाई? तो जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स, तो पहले थे, इसमें से 5 और खो गए, तो कितने बचे भाई? 45 माइनस 5 40 और माइनस एक्स। इतने मार्बल जीवंती के पास है अब, और इतने मार्बल जॉन के पास है। और उन्होंने बोला 5 5 मार्बल खोने के बाद अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है? 124। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, x-5 और 40 माइनस एक्स, तो कितना आएगा भाई? 124। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 40x और माइनस का x2। -5 × 40 करेंगे तो माइनस का 200। -5 × -x करेंगे तो प्लस का 5x। क्लियर है भाई यहां तक? अब देखो -x² को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो डिग्री के हिसाब से। -x² 40x और 5x कितना हो गया? 45x। क्लियर है? और इसके बाद क्या बचा भाई? माइनस का 200। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 124। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? माइनस का 324। क्लियर है यहां तक? अब आप देख रहे हो x² क्या आ गया? माइनस है, माइनस को हटा देंगे। माइनस को हटाने का तरीका क्या है भाई? कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सबके साइन चेंज कर दो। x² माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका सबको पता ही है, हाँ या ना? तो भाई हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। उसका तरीका क्या होता है कि x² का जो कॉफिशियंट है उसकी और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी, दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई, इसका तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 324 आएगा, ठीक है। 324 इसके ऐसे दो फैक्टर करो जो प्लस माइनस करके क्या आ जाए? 45, हाँ या ना? तो क्या हो जाएंगे भाई? तो आप करके देखना, इसके आएंगे फैक्टर 36 और 9, ठीक है। अगर देखो एक बार ट्राई करते हैं, 324 किससे करें? 3 से कर लें, 3 से नहीं 4 से करते हैं। 4 से 4 8 जा 4 1 जा, ठीक है। अब फिर 9 और 9, 4 9 जा 36 को एक साथ कर लो, 9 को अलग कर लो, 36 और 9, इन दोनों की हेल्प से हम 45 बना सकते हैं कि नहीं? क्लियर है भाई? चलो देखो आगे। अब 36, इसको मैं इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं एक बार फिर, x² -45x + 324 इज इक्वल टू 0। इसके ऐसे इसको स्प्लिट करेंगे किसमें? 36 और 9 में, और चाहिए माइनस का 45, तो दोनों को ही माइनस माइनस कर लेंगे तो माइनस का 45 मिल जाएगा। क्लियर? करते हैं स्प्लिट। x² -36x - 9x + 324 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई? तो इन दोनों में से कॉमन है सिर्फ एक्स, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 36 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है तो आप कहोगे 9, तो 9 कॉमन 9 ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस 36। क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों में क्या कॉमन है इसमें और इसमें, तो आप कहोगे एक्स माइनस 36 बचा, क्या इधर बचा एक्स और माइनस इधर क्या बचा 9 इज इक्वल टू 0। भाई यहां एक बार इसको 0 रख देंगे और एक बार इसको 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है भाई। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है। x हमने माना क्या था कि नंबर ऑफ मार्बल जॉन है, जॉन के पास कितने मार्बल हैं, तो भाई एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों को ही कंसिडर करेंगे, तो दो केस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। चलो इधर बनाते हैं केस, ठीक है। केस फर्स्ट, मान लेते हैं जॉन के पास कितने हैं, अगर 36 हैं, ठीक है। इफ जॉन हैव 36 मार्बल, कितने मार्बल, 36 मार्बल, तो भाई जीवंती के पास कितने बचेंगे फिर, जीवंती हैव, जीवंती के पास कितने होंगे, एक तो हैव हैज का पंगा देख लेना भाई, हैज आएगा, ठीक है। जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स थे, तो मतलब 45 माइनस 36 जीवंती के पास होंगे 9। ये था पहला केस, अगर जॉन के पास 36 है तो 45 में से 36 गए, 9 बचेंगे किसके पास, जीवंती के पास। और भाई दूसरा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, मान लेते हैं कि इफ जॉन हैव कितने मार्बल, 9 मार्बल, अगर जॉन के पास 9 मार्बल है, जॉन के पास कितने मार्बल है 9, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे भाई, तो जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस 9 मतलब कि 36। क्लियर है, आया ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो जिसको नोट करना है, मैं हट जा रहा हूँ, लो करो नोट। ऐसे चलो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं एक बार फटाफट से, एक बार पढ़ लो जब तक क्वेश्चन सारे। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ टॉयज बनाती है एक दिन के अंदर, ठीक है। और सिचुएशन क्या दे रखी है वो समझो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, फिर जितने भी टॉय हैं उनसे 55 कम, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल कॉस्ट कितनी बैठती है एक दिन की, 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितने टॉय प्रोड्यूस करेगा ये हमें बताना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, थोड़ा धीरे समझाता हूँ। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में, मैं मान लेता हूँ वो टॉयज बनाती है एक्स, ठीक है। अब एक बात, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, तो एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, जितने नंबर ऑफ टॉयज है उनसे 55 कम, एक टॉय की कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय हो जाएगा 55 माइनस एक्स, ये क्या है भाई, ये एक टॉय की कॉस्ट है, ये क्या है, नंबर ऑफ टॉयज है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी, तो टोटल टोटल कॉस्ट बैठेगी इन दोनों का प्रोडक्ट, हाँ या ना। अरे मान लेते हैं आपके पास 5 चॉकलेट और एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, दोनों की मल्टीप्लाई करके आती है कि नहीं आती है। क्लियर, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले पेज में प्रॉपर तरीके से, देखना एक बार फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, तो आप बोलोगे 55 माइनस एक्स, यही बोला हुआ है, हाँ या ना, रुपीज 55 माइनस एक्स। अब टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है भाई, 750, यही थी ना क्वेश्चन में 750। और टोटल कॉस्ट निकलेगी कैसे, टॉयज कितने हैं एक्स, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्लियर है, 750। भाई इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, इसको प्रॉपर लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750, ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इसको माइनस ले लेते हैं कॉमन, 55x प्लस का 750,
ठीक है भाई यहां तक, बस साइन चेंज कर देने और कुछ नहीं करना। अब 750 और इंटू वन, वन का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 750 के ऐसे दो फैक्टर करो, 750 के ऐसे दो फैक्टर करो जो प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 55 आ जाए। क्लियर? तो भाई 750 के ऐसे दो फैक्टर क्या हो सकते हैं बताएगा कोई? 25 और 30। क्लियर है? ऐसे दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 25 और 30। 25 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75 मतलब आ जाएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर में प्लस माइनस करके 55 आ रहा। लेकिन चाहिए क्या हमको? चाहिए माइनस का 55। भाई माइनस का 55 चाहिए तो हमें ये भी माइनस करना पड़ेगा और ये भी माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सुंदर, जबरदस्त। देखो भाई आगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन है भाई x, x माइनस 25, और यहां पे क्या कॉमन है? तो यहां कॉमन है 30। क्या बचेगा? x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 25, बचा क्या भाई? x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इधर देखो, इसको हटाते हैं। एक तो बच आया हमारे पास फैक्टर एक्स माइनस 25, एक बार तो ये जीरो रख लेंगे, फिर एक बार क्या जीरो रख लेंगे, एक्स माइनस 30। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25, और यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। क्लियर है भाई? अब एक बात बताओ, एक्स हमने माना क्या था? एक्स माना था लेट द नंबर ऑफ टॉयज, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? यही पूछा है कि कितने टॉयज है। तो भाई 25 भी आपका सही आंसर है और 30। तो क्या लिखेंगे हम? द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज बी इधर 25 और 30। क्लियर है? चलो लिखो फटाफट से गले।